राम राम भाई लोग, आपके अपने YouTube चैनल बिम्बो ब्लॉग पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम अपनी छत पे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि अब हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। एक्चुअली में हमारा छोटा सा जिम का सेटअप हम लोगों ने आज अपना कम्प्लीट कर लिया है। कुछ जो कि उसमें कमी है वो भी बहुत जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हो चुका है। तो आइए मिलते हैं आपको आगे। तो भाई लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा छोटा सा जिम सेटअप हो चुका है। देख सकते हैं अभी हमारे पास 3 तरह के डंबल हैं। एक तो हमने खुद ही बनाए थे पहले, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये 10 किलो के डंबल हैं, और ये पीछे छोटे वाले 5-5 किलो के हैं। जिगजैग रॉड 2 तरह की ही पत्ती है, एक मोटी है। बाइसेप का वर्कआउट इससे बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। और आपको बता दें, जो जिम करने में सबसे मेन चीज़ होती है चेस्ट का वर्कआउट, और चेस्ट के वर्कआउट के लिए हमें जो बेंच से काफ़ी हेल्प मिलती है, तो वो हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है। ये बेंच जो हमारे पास अभी है, इसमें फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन तीन आराम से आप तीनों कर सकते हैं, मल्टीपल है ये। और ये रॉड हमारी रखी हुई है, वेट लगा हुआ है 10 किलो, 10 किलो की खुद रॉड है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमारा जिम सेटअप, और इतनी चीज़ों में से आपको अभी क्या कमी दिख रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो भाई लोग, ये था हमारा छोटा सा जिम सेटअप, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और जो मेन चीज़ सभी कमी हमें दिख रही थी, तो हम आपको बता दें, इसमें चिन अप पुल अप के लिए भी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप नहीं किया है, और बैक के वर्कआउट के लिए भी साथ ही में कुछ सोचेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि चिन अप और पुल अप का सेटअप परचेस करें या खुद से जुगाड़ करके बनाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राम राम भाई लोग, मिलते हैं नई वीडियो में।